इंडोनेशिया में जनाब एक बस्ती थी जहाँ गंदगी के बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए थे। वो कहते हैं ना, जब आपको शौक हो, हम एक मूवी भी आई थी, उस मूवी का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं रहा, जहाँ पर इसी तरह का कुछ मामला था कि बहुत गंदी सा एक एरिया था, कच्ची सी बस्ती थी जिस पर लोगों ने गंद मचाव था, लेकिन वहाँ के चंद रहने वालों ने इकट्ठा होकर उस बस्ती को निखारा। और यही इंडोनेशिया की एक बस्ती का हाल है जहाँ सिर्फ 2 माह की मेहनत के बाद कौसे कजा के रंग बिखर गए। एक गांव है जनाब जहां पर रेनबो विलेज के नाम से मकबूल हो चुका है, और ये गांव का रंग रूप महज $22,000 में तब्दील हुआ है। मकामी लोग और जो बिल्डर्स ने गांव के तमाम घरों को, पुलों को और सरकारी मराकज को खूबसूरत रंग बिरंगे पेंट से ऐसा सजाया कि जो ये रेनबो की शक्ल है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस गांव में जो इसका काया पलटने में एक स्कूल टीचर का अहम किरदार रहा, जो निजी स्कूल टीचर के मुताबिक उन्होंने गांव को रंग बिरंगा करने का आइडिया जो है वो मकामी गवर्नमेंट को दिया, और उसके बाद जो फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया। दुनिया भर से आप यहाँ पर जाते हैं इस बस्ती में, यहाँ पर कदम रखते हैं, वरना इससे पहले यहाँ पर जिस कदर गंदगी थी कहते हैं कि यहाँ पर कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन अब चूँकि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि बहुत कलरफुल सी इन्होंने बस्ती बनाई है, घरों को, ब्रिजेस को, हर जगह को उन्होंने पेंट किया है, सफाई की है, और ये है भी बहुत खूबसूरत सी जगह पर, बीच में एक नदी भी बह रही है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी एक्टिविटी है। और मेरे ख्याल से ये तो एक बस्ती की बात है, मगर अपने एरियाज, अपनी कम्युनिटी या अपनी सोसाइटीज़ को इस तरह से रेनोवेट करना शुरू कर दें। वैसे तो अब जो नई सोसाइटीज़ हैं वो डेफिनेटली बहुत साफ सुथरी हैं, लेकिन एदर्न कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर आप खुद से भी एफर्ट कर सकते हैं, चंद लोग इकट्ठे होकर, तो एक अच्छा आइडिया है। अच्छा जनाब, ये हमने आपके साथ सुबह सुबह इतनी ज़बरदस्ती रिसर्च शेयर कर ली है।